नमस्कार, टॉप 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर पुंछ जिले के केरनी सेक्टर में एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर भारत की सैन्य चौकी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से गोलाबारी का यह सिलसिला सुबह करीब 8 बजे तक जारी रहा। पाकिस्तानी सेना आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। पाक की ओर से की जा रही फायरिंग के चलते सीमा के सटे इलाके नागरिक जो हैं वहां रहने वाले सहमे हुए हैं। तो जम्मू एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले 61 परिवारों को वहां से 20 नवंबर तक हटने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है और जिस पर बवाल शुरू हो गया है। इन परिवारों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी और जाट सभा के बैनर तले प्रदर्शन किया। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर बसाया गया तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशा तस्कर से जुड़े एक दंपति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके मुताबिक ये तीनों जबलीपुरा इलाके से एक मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे और वहां लगाए गए नाके पर इनकी तलाशी के दौरान चरस की एक खेप बरामद की गई। वकीलों की हड़ताल के चलते जम्मू हाईकोर्ट परिसर में कामकाज पूरी तरह से ठप हुआ है और परिसर में सिर्फ हड़ताली वकील और न्यायपालिका से जुड़ा अन्य स्टाफ भी नजर आ रहा। न्यायपालिका के अधिकार छीनकर राजस्व विभाग को सौंपे जाने से गुस्सा ये वकील पिछले 5 दिनों से काम छोड़ हड़ताल पर हैं। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा की अगुवाई में जगह जगह गांधी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है जिसमें आज बाड़ी भावना में भी दस्तक दी। तो वकालत के पेशे में पेशेवर नैतिकता की भूमिका पर चर्चा के लिए डोगरा लॉ कॉलेज में आज एक लेक्चर का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड द्वारा जम्मू में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसकी जानकारी आज जम्मू के बोर्ड के चेयरमैन टीएस वजीर ने दी। जम्मू में गवर्नमेंट महिला कॉलेज परेड द्वारा नगर शांति रैली का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं ने गुरु नानक देव जी द्वारा दिए गए ज्ञान को लोगों में बांटा। वेतन विसंगतियां दूर करने सहित अन्य मांगों के हल के लिए कमेटी दर कमेटी को गठन किए जाने की समय की बर्बादी करार देते हुए पुलिस विभाग के रिटायर्ड नॉन गैजेटेड मुलाजिमों ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार को 20 नवंबर तक की मोहलत देते हुए ऐलान किया कि अवधि में अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन पर वो लोग बैठ जाएंगे। श्राइन बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन कटना ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर पिछले दरवाजे से नियुक्तियां किए जाने का आरोप लगाया। अरनिया से बाड़ी भ्रामना की ओर जा रही मिनी बस जब पछाड़ी पहुंची तो चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और स्कूटी के नजदीक पार्क की गई मोटरसाइकिल से टकरा कर पलट गई। इस हादसे में मिनी बस सह चालक और उसमें सवार अन्य शख्स घायल हो गए जिन्हें बिश्नाह के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में छुट्टी दे दी गई। सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी किश्तवाड़ ने अभियान चलाकर संग्राम भाटा स्थित एक मकान से पिस्टल, 54 गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया। जम्मू के वार्ड नंबर 68 ग्रेटर कैलाश में ओवरहेड वाटर टैंक को अनसेफ घोषित किया जा चुका है जो किसी भी वक्त किसी हादसे को अंजाम दे सकता है। टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।